माफिया अतिक अहमद के बेटे असद को शनिवार सुबह 10 बजे प्रयागराज के कब्रिस्तान में दफन किया गया। असद के नाना हामिद अली समेत 20 से 25 रिश्तेदारों को ही कब्रिस्तान में पुलिस ने जाने दिया। अतिक बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हो पाया। सुप्रतिक खाक की रस्म के दौरान कसारी मसारी कब्रिस्तान की ड्रोन से निगरानी की गई। पुलिस की सुरक्षा भी सख्त थी। सुबह 9:30 बजे असद और गुलाम के शवों को झांसी से प्रयागराज लाया गया। असद की बॉडी को अतिक के घर की जगह सीधा कसारी मसारी कब्रिस्तान ले जाया गया। वहीं गुलाम के शव को प्रयागराज के ही महदोरी कब्रिस्तान में ले जाया गया। वहां सुप्रदे खाक किया गया। अतिक के रिश्तेदारों को कसारी मसारी कब्रिस्तान पुलिस खुद अपनी गाड़ी से लेकर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों को कब्रिस्तान से करीब 200 मीटर दूर रोक दिया। मीडिया को भी एंट्री नहीं दी गई। अतिक के चकिया स्थित घर से कब्रिस्तान तक कदम कदम पर फोर्स तैनात रही। इससे पहले शुक्रवार रात 1:30 बजे पुलिस सुरक्षा में दोनों के शवों को पुलिस और रिश्तेदार लेकर झांसी से रवाना हुए। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।